डियर फ्रेंड्स, पिछले जो अपने क्लास जो अपन सीखने की क्लास लग रही हुई है उसमें हमने माइनस की जो पावर थी प्रीफिक्स उनके बारे में सीखा। जल्दी से मैं रिकलेक्ट करता हूँ, माइनस वन पे डेसी होता है, माइनस टू पे सेंटी होता है, माइनस तीन पे मिली होता है, माइनस छः पे माइक्रो होता है, माइनस नौ पे नैनो होता है, माइनस ट्वेल्व पे पिको होता है एंड सो। अब आज हम 10 की पावर प्लस में चलेंगे, तो सबसे पहले मैं इसी कंटिन्यू पर लेता हूँ 10 की पावर प्लस वन। प्लस वन को जो काम में लिया जाता है उसको डेका कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो है डी ए, स्मॉल डी और स्मॉल ए। इसी तरीके से 10 की पावर प्लस टू हेक्टो और इसका सिंबल है स्मॉल एच। 10 की पावर जो प्लस तीन आएगा उसको हम कहते हैं किलो और इसका सिंबल है स्मॉल के। एक ध्यान रखना है हमें छोटी सी बात कि 10 की पावर प्लस तीन तक सिंबल स्मॉल चलते हैं। आप नोट करें कि 10 की पावर माइनस के सारे सिंबल स्मॉल थे और जो अभी प्लस के सिंबल चले, चाहे वो प्लस वन का हो, चाहे प्लस टू का हो, चाहे प्लस तीन का हो, उनकी जो सिंबल है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। पर जैसे ही 10 की पावर तीन से हम ज़्यादा पे जाएंगे लेटर कैपिटल होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट अपन फोर्थ लेते हैं 10 की पावर सिक्स, इसको कहते हैं मेगा, इसका सिंबल है कैपिटल एम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कई बार जो हम जो बच्चों की कॉपियाँ वगैरह देखते हैं तो लिखना वो मेगा चाहते हैं कैपिटल एम है, पर जल्दी जल्दी में लिखने में वो एम लिख देते हैं, स्मॉल एम लिख देते हैं। अगर स्मॉल एम लिख दिया मेगा की जगह तो आप देखिए कितना फर्क पड़ गया, 10 की पावर माइनस तीन है और 10 की पावर छः है, इसका मतलब 10 की पावर 9 गुना अंतर कर दिया। 10 की पावर 9 गुना का मतलब हो गया 100 करोड़ गुना। तो किसी भी चीज़ को या तो आपने 100 करोड़ गुना छोटा कर दिया है या 100 करोड़ गुना बड़ा कर दिया है। तो हमें बहुत केयरफुल होकर के इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। इसी तरीके से नेक्स्ट काम में अपने पास पाँच बात है 10 की पावर 9 काम में लेते हैं, और जो 9 है वो कहलाता है गीगा और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल जी, ठीक है। तो आप बहुत सुनते हैं कि जो मेमोरीज की जो यूनिट होती है वो गीगाबाइट के रूप में काम आती है, ये सब चीज़ें काम आती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो काम में आप ले रहे हैं वो 10 की पावर 12 के, ये है टेरा और इसका सिंबल है कैपिटल टी। तो किसी भी आप फिजिकल जो यूनिट है उसके आगे उसके पहले ये सिंबल काम में जनरली लिए जाते हैं उस चीज को बताने के लिए। तो जल्दी से मैं रिकलेक्ट करता हूँ, प्लस वन है डेका, प्लस टू है हेक्टो, प्लस तीन है किलो, प्लस छः है मेगा, प्लस नाइन है गीगा और प्लस ट्वेल्व है टेरा। ये सारी की सारी चीज़ें अपने काम में आगे आएंगी।